हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सबको 34th चैप्टर मज़ा आया होगा। सो चलिए 35th चैप्टर शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जंगे फेंग चैन की कमीन से बाहर आता है और फेंग चैन की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी वह येशिंग आ जाता है। येशिंग को देख के जंगे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? येशिंग थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है, मैं फेंग चैन से कुछ बात करना चाहता हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो चनी 35th चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में येशिंग और फेंग चैन बाथरूम में होते और एक साथ शावर ले रहे होते। तभी येशिंग कहता है, तुम्हारे न्यू शावर जेल की स्मेल कितनी अच्छी है, मुझे पसंद है। फेंग चैन कहता है, शावर जेल वो उतना भी खास नहीं है। तभी येशिंग सोचता है, मैं और फेंग चैन कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से इंटीमेट रहे हैं। फिर फेंग चैन कहता है, येशिंग हम हाथ पकड़ते, किस करते और सेक्स भी, तो इसमें गलत क्या है? तुम्हारा मतलब क्या है कि हम ब्रेकअप कर रहे हैं? येशिंग कहता है, इन सब में मेरी गलती है, सॉरी। फिर हम प्रेजेंट का मोमेंट देखते हैं। ये सब पास्ट था जो येशिंग और फेंग चैन का था। येशिंग अंदर जाने से हेजिटेट कर रहा होता है और अपनी मम्मी सोचता है, आखिर मैं अंदर जाके कहूँ क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी सडनली केबिन का दरवाज़ा खुलता है और येशिंग थोड़ा चौंक जाता है। येशिंग को देखकर फेंग चैन कहता है, मैं सोच ही रहा था कि तुम कब आओगे और लो तुम आ गए, क्या हम अंदर बात कर सकते हैं? येशिंग कहता है, ओके। तभी अंदर आते हुए येशिंग फेंग चैन को स्मेल करता है। फेंग चैन के बॉडी से एक जानी पहचानी सेंट आ रही होती है, इसलिए येशिंग पूछता है, क्या तुम अभी तक वही शावर जेल यूज़ कर रहे हो? फेंग चैन तभी दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है, तुमने कहा था ना कि तुम्हें वो पसंद है, इसलिए मैंने उसे यूज़ करना बंद ही नहीं किया। तभी येशिंग कहता है, फेंग चैन हमें एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुमने यहाँ जॉब क्यों लिया और लिया तो सही, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? फेंग चैन कहता है, तुम अपना फ़ोन नहीं उठा रहे थे इसलिए मैं तुम्हें कह नहीं पाया। तुम उस स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप में हो, राइट? ये सुन के येशिंग सोचता है, तो इससे ऑलरेडी पता चल चुका है। तभी येशिंग कहता है, तुम्हें पता कैसे चला? फेंग चैन कहता है, तुम उससे जेंग्यो कहते हो, मुझे तुम दोनों के बारे में उस रात ही पता चल गया था। मैं आया था तुम्हारे पीछे, तुम्हें रोकने, पर मैंने जो देखा वो बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल था। और तुम्हें पता है इन सब में फ़नी बात क्या है? मुझे उससे जलन होती है। तभी येशिंग कहता है, तुम गलत हो, हमारा रिलेशनशिप वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, हम बस एक दूसरे से वो लेते जो हमें ज़रूरत है, ये रिलेशनशिप हमारे रिलेशनशिप से अलग है। ये सुन के फेंग चैन कहता है, डिफरेंट? तुम ही बताओ क्या डिफरेंट है? वो और मैं, हम दोनों तो ज़ाओयांग के सब्स्टिट्यूट है ना? तभी फेंग चैन येशिंग के पास आते हुए कहता है, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। येशिंग कहता है, हम दोनों अब साथ नहीं रह सकते, हम दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, पर मैं होप करता हूँ कि हम अभी भी फ्रेंड्स रहेंगे। ये सुन के फेंग चैन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में येशिंग को ज़ोर से पकड़ के उसे फोर्सफुली किस कर रहा होता है। तभी फेंग चैन येशिंग के लिप्स को बाइट करता है और उसे रफली किस कर रहा होता है। तभी येशिंग भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फेंग चैन को पुश करते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तभी येशिंग जाते हुए कहता है, तुम अब अपने राइट माइंड में नहीं हो, जब तुम ठीक हो जाओगे तब बात करेंगे। तभी फेंग चैन कहता है, जाओ जेंग्यो को चुनकर तुम बाद में रिग्रेट ज़रूर करोगे, तुम हमेशा इस सीक्रेट नहीं छुपा सकते, वो बस एक बच्चा है अभी भी। ये रिलेशनशिप तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगा, तुम्हारा करियर बर्बाद कर देगा, क्या तुम सच में इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो? क्या तुम्हें अपने फ्यूचर की कोई परवाह नहीं? ये सुन के येशिंग हंसते हुए कहता है, मैं शायद बाद में पछतावा करूँ पर फिर भी मैं कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार हूँ, ये मेरे और जेंग्यो के बीच में है, इन सब में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, सो प्लीज़ स्टे आउट ऑफ इट। और ये कह के येशिंग वहाँ से चला जाता है। ओके फ्रेंड्स, यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको इस चैप्टर में मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैप्टर में मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।